पंजाब में सफाई कर्मचारी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्हें महकमे में पक्का किया जाए, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए क्योंकि उन्हें 8,000 तनख्वाह मिलती है। ऐसे में परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। नगर काउंसिल के सफाई कर्मचारी रूपनगर दफ्तर से निकलकर सड़कों पर होते हुए डीसी दफ्तर के बाहर पहुंचे और अपना रोष जताते हुए हाथों में काले झंडे पकड़कर पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जड़ी पंजाब सफाई यूनियन म्यूनसिपल एम्पलाई यूनियन के सदे से जी हड़ताल साड़ी 44-45 दिन हो चले, तुम्हें पता ही है, जबकि मीडिया राही सारा कवरेज हो रही है जी। पर हूँ भी सरकार अब 45-46 दिन हो चलिया, पर सरकार वालों साड़ी कोई भी सुध नहीं ले रहे। सो असी हूँ अज शहर के बच्चों अपनी रोस मार्च कढ़ते हुए डीसी मैडम अपने मेमोरेंडम देने आए थे भी वह भी सरकार के मूहे नुमाइंदे आ, उन्हों की सरकार के पहुँच आ, सरकार के गल सा रखे सही तरीके। साड़ियाँ कुल पंजाब सिविल के लेवल से कुछ 17 मंगा जी, जिस मेन मंग है कि साढ़े जिन्हें भी काम है म्यूनसिपल काम है आउटसोर्सिंग राही जिन्हें भी काम है उन्होंने बगैर तौर पर पक्का करना। इस टाइम कच्चे काम है आउटसोर्सिंग ले हुए हैं, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जो कि सानू मंजूर नहीं है। साड़ियाँ मंगा यह है साडे क्यों नहीं हक दिते जाते, साडे मुलाजम क्यों नहीं पक्के किए जाते। मुलाजमान 8-9 हज़ार रुपये मिल रहा, कोई ज़्यादा नहीं तनखा मिल रही, ये तनखा कोई इन्ने गुजारे लायक नहीं है। चार बच्चों का जी हो गए, बच्चा परिवार हो गए, उस की गुजारा कर लेगी। एन स्टार न्यूज़ के लिए रूपनगर से सुषमा मॉडगिल की रिपोर्ट।